अब हम बढ़ते हैं बुंदेलखंड की ओर प्राची। बिल्कुल देखिए, बुंदेलखंड की चार सीटें हैं, चारों सीटें बीजेपी के पास हैं और इस बार भी बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी को होने वाली नहीं है, ओपिनियन पोल ये बता रहा है। जालौन की आप बात करेंगे तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। झांसी जो कि कांग्रेस के खाते में गई है, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हमीरपुर में भी बीजेपी जीत सकती है और बांदा में भी बीजेपी जीत सकती है। यानी बुंदेलखंड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हालांकि पूर्वांचल की बात करिए, अवध की बात करिए, बुंदेलखंड की बात करिए, कहीं पर कोई चैलेंज बीजेपी के सामने नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक सीट है जो समाजवादी पार्टी बचा सकती है, वो भी आजमगढ़ है, और इन चारों सीटों पर भी बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रख सकती है। हाँ, बोले सर। मुझे लगता है कि झांसी सीट से इस बार उमा भारती चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उमा भारती ने घोषणा की कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने पार्टी को ऑप्शन दिया है, या तो मुझे झांसी से टिकट दीजिए, या मुझे आप भोपाल से टिकट दीजिए, या मुझे आप खजुराहो से टिकट दीजिए। तीनों जगह से वो सांसद रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि झांसी से वो 2014 में सांसद रही थी। उनकी कोशिश है कि मैं झांसी से चुनाव लड़ूं, और वैसे भी बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड बन चुका है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेंगी। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई सरप्राइज इसमें? देखिए, एक तो ये है कि बांदा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल सीट थी, बहुत कम मतों के अंतर से 50,000 के आसपास से आरके सिंह पटेल जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए झांसी बहुत स्ट्रांग सीट है। मुझे नहीं लगता कि उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी अब झांसी से दोबारा लड़ाने जा रही है। इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है बुंदेलखंड में पानी को लेकर, सड़क को लेकर, और जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको लेकर इस सरकार ने जितना काम किया है। आप झांसी चले जाइए, 5 साल 7 साल पहले का झांसी और अभी का झांसी, आपको आमूलचूल परिवर्तन दिखेगा, उसका भी बड़ा असर दिखता है। चलिए, अब आप बुंदेलखंड से आगे बढ़ते हैं और आपको केंद्रीय उत्तर प्रदेश में लेकर के चलते हैं, सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ेंगे अब हम। और वो जो सीटें हैं वो है अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। ये पांच सीटें, और ये पांचों सीटें भाजपा के पास जा रही हैं अभी इस बार, और ये पहले से भाजपा के पास ही हैं। बीजेपी की डोमिनेंस वाला जो है, प्रभाव वाला ये सारा इलाका है। अलीगढ़ की अब बात कीजिए, यहाँ पर दलित और मुस्लिम बहुल सीट ये मानी जाती है। हाथरस ये जाटव और ठाकुर बहुल सीट है। मथुरा ये बिल्कुल बीजेपी के दबदबे वाली सीट है, और अब तो जयंत चौधरी भी इधर आ गए हैं। और 24 का चुनाव जो है वो मथुरा की शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का जो विवाद इस वक्त चल रहा है, और बड़े वो भी सुर्खियों में है, काशी को ले, काशी के बाद उसके बीच में ये चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आगरा में की अगर आप बात करेंगे तो दलित सुरक्षित सीट है, बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। 14 और 19 दोनों चुनाव में बीजेपी यहाँ लगभग 55% वोट लेकर जीती थी। वहीं फतेहपुर सीकरी की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में राज बब्बर कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़े थे और बुरी तरीके से हारे थे, भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी। इस बार भी कांग्रेस के पास होगा। हाँ, इस बार भी कांग्रेस ही लड़ रही है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस जिन चार सीटों पर नंबर 1 या नंबर 2 रहती, इसमें एक फतेहपुर सीकरी भी। वही वही सीट है। हां, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि वहां पे कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस जो है वो कोई रिवाइवल होगा वहां पे फतेहपुर सीकरी में, और साफ दिखाई देता है कि ये जो सीट है कांग्रेस को मिली तो है, लेकिन ऐसा कोई चुनाव कांग्रेस बहुत लड़ने नहीं जा रही है जिसमें कोई भी फाइट जो है वो बीजेपी की लड़े। और स्कोर देखें, 52 सीटों का आपके सामने सर्वे आ चुका है, और सर्वे ये बता रहा है 51-1, यानी 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है, और एक सीट केवल वो सपा के पास, यानी कि बिल्कुल कहीं से भी आपको इंडिया गठबंधन का, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का कहीं कोई असर आपको दिखाई नहीं देगा। सब भगवा आपको जो है वो स्क्रीन पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की हकीकत है, और ये जिस तरीके से सीटें आगे बढ़ रही हैं, देखिए हम लोग 52 सीटों की बात कर चुके हैं, 80 सीटों तक हमको जाना है। तो जो जिस टारगेट के साथ भारतीय जनता पार्टी चली है इस बार, प्रधानमंत्री ने कहा 80 में 80, हम कहते हैं क्या 75 पार होगा उत्तर प्रदेश में, काफी मुमकिन दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें, क्योंकि जितनी बसपा की सीटें थी वो भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एक कांग्रेस की सीट रायबरेली की सीट थी वो भी इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी, सोनिया गांधी जब माने चुनाव नहीं लड़ रही है, तो केवल एक आजमगढ़ ऐसा है कि जो मुकाबले में समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल सकती है। हालांकि एक बाई इलेक्शन में ये बीजेपी जीत चुकी, अब इस बार भी बसपा अलग लड़ रही है, तो यहां पर कुछ कॉन्टेस्ट बन जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल यहां पर समाजवादी पार्टी आगे, उसके अलावा सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है।